ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छा होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में। सो आज दो दिन के गैप के बाद ये रीडिंग आई है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये एक लव टैरो रीडिंग होगी। सबसे पहले मैं आपकी, फिर आपके पार्टनर की, और फिर हम आपके लिए लव गाइडेंस से मैसेज निकालेंगे लव ओरेकल से, कि लव में आपको अपने रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस मिल रही है। एंड देन एक ओवरऑल गाइडेंस निकाल के भी ज़रूर देखेंगे कि उसमें आपको ओवरऑल लाइफ में क्या करना है। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना प्लीज़। कुछ कुछ मैच करे, कुछ कुछ ना मैच करे आपकी राशि के अकॉर्डिंग। सो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को होल्ड मत करें। प्लस जब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ या जब मैं आपकी, सो चांसेस हैं कि स्वैप हो सकता है कि जब मैं आपकी निकालूँ तो वो उनकी निकले और जब उनकी निकालूँ तो ये चीज़ भी होती है। सो ये भी मैं आपको बता दूँ, कई लोग बोलते हैं आपने तो मेरे पार्टनर की मेरी बता दी, मेरी मेरे पार्टनर की। सो ये चीज़ों को भी समझें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, आई वेलकम यू ऑल। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। रीडिंग को ज़रूर लाइक करना अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को उतना ही ग्रोथ मिलेगी। प्लस आपको भी रीडिंग्स हाईलाइट होने में और आपके सामने आने में भी ईजी होता है, ठीक है। सो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माय डियर पाइसिस, आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे हो गए। फ्रेंड्स एक लव एनर्जी देखेंगे आपकी क्या है इस रिश्ते में, आप किस एनर्जी में चल रहे हैं अपने रिश्ते में। आप किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं, चाहे तो नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ, या फिर डिफरेंट कमिटमेंट के। पेज ऑफ अर्थ आया है फ्रेंड्स, द एम्परर, फोर ऑफ फायर एंड एट ऑफ एयर। ओके, सो पाइसिस क्या सोचते हैं आप इस रिलेशनशिप में। देखिए रिलेशनशिप में आप किसी भी पड़ाव पे हो, आप ये सोचते हैं कि मुझे अपनी पावर में रहना है, मुझे अपनी लाइफ का एम्परर बनना है, मुझे किसी तरह खुद को इतना स्ट्रांग बना के चलना है। हो सकता है कि आपकी ये जो भी आपकी, चाहे वो शादी है या जो भी है, आप वहाँ पर शायद खुश हैं या नहीं हैं वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप खुद को इस तरह से बना रहे हैं, आप खुद को इतना कंटेंट फील करा रहे हैं इस रिश्ते में, चाहे पास हैं या दूर हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह आपको ये ना मिले, आपको ये ना लगे कि मैं पीछे रह गया लाइफ में। भले ही कितना भी कंफ्यूजन हो, आज भी आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं, आज भी आप चाहते हैं कि सामने वाला आकर क्लैरिटी दे अगर ऐसा है, लेकिन आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करते नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इस रिलेशनशिप में नए नए आए हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं या काफ़ी टाइम से आप हैं और अब आप उस रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, मेरे हिसाब से चीज़ें हों, मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहती या चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे को लाइफ में खुशी मिले, कंटेंटमेंट मिले, एक स्टेबिलिटी और शांति मिले। आपका जो मेन फोकस है वो इसी पर है और आप उन्हीं चीज़ों के लिए मुझे अगले एक हफ्ते काफ़ी तैयारियां करते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक कहते हैं ना कि बोरिया बिस्तरा बांधते नज़र आ रहे हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। सो आपकी तरफ से एक अपने हाथ में कमान रखना चाहते हैं आप, ऐसा दिख रहा है। देखते हैं क्या आपके पार्टनर भी ऐसा ही सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते में। सो क्या है पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज, वो क्या सोचते हैं। सो पाइसिस के पार्टनर क्या सोचते हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स। पाइसिस आपके पार्टनर तो बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे।
मुझे नहीं पता क्यों, बट इन्हें तो या तो एंडिंग हो गई है आप दोनों की इस रिश्ते में, या ये एंडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब एंडिंग के बारे में इनके मन में प्लान्स बन रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि भाई बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सह सकती या सह सकता, मुझे मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझसे नहीं संभाला जा रहा मैं, या फिर ये भी है कि एंडिंग तो आपकी बहुत पहले ही हो गई थी लेकिन अब ये दोराहे पे आ गए हैं और अब ये समझ नहीं पा रहे कि क्या इन्होंने चीज़ों को एंड करके ख़त्म करके सही किया, या फिर इन्होंने जो अपने बारे में इतना ओवर सेल्फिश होकर जो डिसीजंस लिए आपके अगेंस्ट वो सही किया। सो मुझे ये पर्सन महा कंफ्यूज नज़र आ रहा है और महा बेवकूफ़ भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। आई एम सॉरी, आप कहोगे मेरे पार्टनर को बेवकूफ़ कह रही है, बट ऐसा नहीं है, ये जिस भी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी पिक हुई है वो कुछ इसी तरह का मुझे दिख रहा है। ये पर्सन मुझे ज़रा सा भी समझदार नहीं दिख रहा, ये मुझे अगर इसने मान लीजिए एंडिंग का डिसीजन लिया तो ले ना फिर शेर बन के उसी पे चले, फिर ये कन्फ्यूजन में क्यों है, फिर काहे का दो राहे पर आकर खड़े हो। अरे आपने लिया है डिसीजन छोड़ने का तो छोड़ के बढ़ो ना आगे बढ़ो, फिर क्यों आप बार बार वापस लौट के बुद्धू घर को आए कर रहे हो। या तो अगर आप लौट के बुद्धू घर कर आ रहे हो तो फिर आ जाओ अपनी बातों को, अपनी गलतियों को मानो और फिर अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करो। पर ये इंसान अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ये मुझे दिख नहीं रहा कि ये कुछ करने वाला है। अभी अगले एक हफ्ते ये अफसोस ही करता नज़र आएगा, ये आँखों पे पट्टी बांध के बैठा है, ना ये लेफ्ट देख रहा है ना राइट देख रहा है, इसके अंदर महा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा इस तरह का दिख रहा है। सो मैं आपके लिए ओरेकल से लव गाइडेंस निकालूंगी आप की लाइफ के लिए, कि क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए लव में। सो सीक्रेट एडमायरर, सो समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो देखिए इनके मन में है ज़रूर आपके लिए फीलिंग्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने अपने आप को इस रिश्ते से इतना ऊपर रख दिया कि फिर इन्हें पीछे कर दिया इनको। हर एक चीज़ इन्होंने क्या करा, आपके लिए इनके मन में थी फीलिंग्स लेकिन वही बात हो गई, या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि किसी के लिए कोई और सीक्रेट एडमायरर हो और वो बता नहीं रहा है। सो आप देखें आपके आसपास है क्या कोई ऐसा पर्सन, एंड रोमांस का कार्ड है, सो मे बी आने वाले टाइम में जब आपके पार्टनर को या तो चीज़ें क्लियर हो जाएं या समझ आ जाएं, सो फिर रोमांस क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, या फिर ये सीक्रेट एडमायरर आपकी लाइफ में आने वाला है पाइसिस। सो ध्यान रखें जिसकी लाइफ में जो भी रेजोनेट हो रहा है वो उस हिसाब से रीडिंग को देखें। आइए देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, ओवरऑल डिवाइन गाइडेंस पाइसिस क्या दिख रहा है आपके लिए। सो ओवरऑल डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइसिस राशि, लेट गो पाइसिस, लेट गो। अगर ये पर्सन आपको वो चीज़ें नहीं दे रहा, वो बिहेव नहीं कर रहा आपके साथ, या उस तरह से आपको नहीं लव कर रहा, सो लेट गो इज़ द ओनली सॉल्यूशन। या कोई और चिंता स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेके बैठे हैं, सो उन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें और ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड वेट का कार्ड आया है, सो मे बी आप कुछ करियर में या किसी चीज़ में कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं जहाँ पे, सो उन चीज़ों में आप वेट करें, लेकिन अगर ये रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है सो आप लेट गो करके उसमें आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको अपने बारे में सोचना है या अपनी चीज़ों के बारे में है देन यू हैव टू वेट, बट आप कन्फ्यूज मत होए किसी भी तरह से लाइफ में, ठीक है। एंड देखिए क्या कार्ड आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपकी लाइफ चाहे किसी भी मुकाम पर हो, किसी भी तरफ हो, पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, इस चीज़ के लिए आप पॉजिटिव रहें। ऑल राइट, सो ये है वर्गोज आपकी रीडिंग, होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स रीडिंग को, और मैं पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, सो बाय फॉर नाउ।